सोलन में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाने लगे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही बारिश होगी और उन्हें शुष्क होते मौसम से निजात मिलेगी। लोगों का मानना है कि शुष्क होते मौसम से जहां एक ओर बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर खेत और पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर अब बारिश होती है तो उन्हें बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इस मौके पर शहरवासियों ने कहा कि जिले में विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर पेड़ का कटान भी जोरों शोरों पर है, जिसकी वजह से मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। यही बदलाव मौसम में तब्दीली ला रहा है, जिसकी वजह से जिला में बारिश बहुत ही कम हो रही है। मौसम की बेरुखी की वजह से जिला में पानी की भी भारी कमी देखी जा सकती है और किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी और आसमान में छाए बादल से उन्हें बारिश की उम्मीद जगी है और वह बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, बारिश नहीं पड़ रही आज काफी टाइम हो गया। पिछले साल तो इस टाइम बर्फ पड़ गई थी और इस साल अभी तक बर्फ ही नहीं पड़ी ना बारिश पड़ी है। मौसम आज लग रहा है कि कुछ खराब जैसा है, पड़ जाए बारिश शायद। आज पोल्यूशन बढ़ रहा है, शायद उस वजह से रीजन होगा कि बारिश नहीं पड़ रही है। बारिश पड़ेगी तो लोगों को पानी की कमी दूर हो जाएगी। वैसे पानी की प्रॉब्लम भी है सोलन में इस साल काफी, 3-4 दिनों से घर में पानी नहीं आ रहा है किसी के भी घर में। होटल नाला साइड बहुत प्रॉब्लम है पानी की। आज का मौसम बहुत ठंडा है एंड बारिश हो नहीं रही है, इसकी वजह से बहुत स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो रहा है। फार्मर्स को बहुत दिक्कत आ रही है एंड ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर ठंडी वो होती है, लाइक सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे कि ज़्यादा डिजीजेज, ज़्यादा बीमारियां फैल रही है। सो आई विश जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए एंड स्नोफॉल के लिए भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मौसम यहाँ का ठंडा हो गया है, लगता है कि बारिश होने वाली है। जिस तरह यहाँ के डेवलपमेंट हो रही है उससे पेड़ जल्दी से जल्दी काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। परंतु आज ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है, और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी गिर सकती है।